वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 पी एम आकर्षक अकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज एक बिग अपडेट आप सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्यारे छात्र आज की नई अपडेट ये हैं जो बिहार सरकार लेट शाम मतलब लगभग साढ़े आठ बजे आठ बजे के आसपास एक चिट्ठी जारी की है उस पर हम लोग टोटल चर्चा करेंगे बिहार में आंशिक रूप से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है आज की ही तिथि से उस पर क्या कुछ है पूरी डिटेल चर्चा हम लोग एक बार देख लें स्क्रीन पर क्या कुछ है ओमिक्रोन बिहार में लगा आंशिक लॉकडाउन बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हमारे हाँ पढ़ रहे हैं नीचे आपके लिखे हुए हैं बिहार के सभी सरकारी गैर सरकारी इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज हुए बंद शायद आप लोग के पास भी यह चिट्ठी वायरल हो रहा होगा या चिट्ठी गया होगा आपके व्हाट्सएप में भी देख लेंगे जो दोस्तों के द्वारा शेयर किया गया होगा नहीं तो हम पूरी चर्चा आज इस पर हम लोग करेंगे बिहार सरकार के द्वारा आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और यह आदेश जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा जिसमें पूर्व की जो चिट्ठी चार तारीख को प्रकाशित हुआ था चार जनवरी के उसके अकॉर्डिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो भी था कोचिंग संस्थान था मैंने पठन पाठन से जुड़ा हुआ जितने भी संस्थाएं थी उसे 50 परसेंट अल्टरनेट डे पर ओपन रखा गया था आज से कंप्लीट रूप से यह बंद कर दिया गया ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार की पठन पाठन कार्यक्रम अब जो है बिहार प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा मानी एट क्लास से ऊपर की जो भी इंस्टीट्यूशन थे उसे यह रिलीफ रखा गया था ओमिक्रोन के कारण लेकिन आज की यह चिट्ठी से यह क्लियर हो गया कि सभी संस्थान बंद होंगे तो हम डायरेक्ट आपकी टू द पॉइंट उसी पर हम लोग बात करेंगे सभी सरकार कर, सरकारी कर्जाले गैर सरकारी कर्जाले तो पहले की चिट्ठी है तो हम लोग थोड़ा सा देख लें इस चिट्ठी को जो मेन चीजें हैं जो आपके लिए हैं उसी पर हम बात करेंगे चार तारीख वाली चिट्ठी जो है आप तक पहुंचा होगा आज की यह चिट्ठी है जो कि 6 जनवरी को बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है ये तीसरा पॉइंट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी विद्यालय महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान उनके छात्रावास सहित तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे परंतु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे ये महत्वपूर्ण आपके लिए हैं केंद्र तथा राज्य आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधित परीक्षा तथा विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी तो यहाँ स्पष्ट है कि परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो संचालन करने की अनुमति अभी भी है परीक्षा ना संचालित करने की ऐसी किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट जो है गृह विभाग वो ने निर्णय अभी नहीं लिया है लेकिन पठन पाठन की कार्यों को बंद कर दिया है तो आज मतलब सात जनवरी से बिहार प्रदेश के सभी विद्यालय महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान सभी कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में किसी प्रकार की क्लासेस नहीं होगा जो कि वर्तमान कोरोना की बढ़ रही आ, डेटा जो देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रहा है तो हर रोज कुछ नया अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा हमारे माध्यम से अभी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई निर्णय सरकार के द्वारा नहीं ली गई है तो जो बच्चे हमारे एग्जामिनेशन मोड में हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं तो कृपया कर अभी आप ये मान के चले कि हमारा एग्जामिनेशन 27 जनवरी से जो आयोजित होने वाला है वो निश्चित रूप से होगा और उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन निश्चित रूप से करते रहें अपनी प्रिपरेशन में किसी प्रकार की ढिलाई ना बरतें सुस्ताएं नहीं आप लोग आप लोगों के साथ पूरी शुभकामना है हमारा और हमारी पूरी टीम का जो भी बच्चे और जो तैयारी जिनकी दिक्कतें आ रहा हो नहीं हुआ हो तो भी भी क्लास क्लास ज्वाइन करके आप क्लास भी कर सकते हैं तो आज की सबसे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज था बच्चों को मैं चाहा कि अभी तुरंत जो शाम में चिट्ठी जारी हुई है पूरे प्रदेश की बच्चों को हम अपडेट कर दें जो कि कॉलेज में थे हॉस्टल में थे और उनका हॉस्टल बंद कल से हो जाएगा तो उन लोगों को जल्दी से अपने घर पहुंचने की भी एक समय सीमा मिल जाएगा क्योंकि पिछले बार जब सबसे फर्स्ट लॉकडाउन था तो उसमें अचानक से निर्णय होने के कारण ऐसा हुआ कि आवागमन में भी परेशानी हुआ तो जो बच्चे जहां है मान लीजिए जो बच्चे पटना में ही हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं या डेरा लेकर रह रहे हैं तो उनके पास भी अभी समय है कि वो अपने घर वापस जा सकते हैं क्योंकि संस्थाने सारे कल से बंद हो जाएंगे सारी इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे तो आपके लिए एक आ, मौका है तो अपने समय पर अपने परिवार के बीच सुरक्षित और सफल तरीके से पहुँचें और स्वस्थ रहें और हम आशा और उम्मीद करते हैं दुआ करते हैं भगवान से कि हमारे सारे बच्चे जो हमारे अपने चैनल से जुड़े हुए हैं सारे फ्लोअर्स सारे स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें उनके परिवार भी सुरक्षित रहें ये हम कामना भगवान से हमेशा करते हैं तो हम लोग अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द थैंक यू